तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फॉर्मेट पूरा देख लिया था हमने। नाउ हर किसी को ये पार्ट विजुअल है तो बता दीजिए फटाफट से, और जिसको विजुअल नहीं है आपकी किताब जे आर मोंगा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। अकाउंट बना लेते हैं हम, स्टॉक डेटर सिस्टम कर रहे हैं। सर सवाल एक बच्चे ने पूछा मेरे से, सर कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक डेटर सिस्टम है या डेटर सिस्टम है। देखिए ब्रांच एक्सपेंस क्या कहता है, देखो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ब्रांच प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओके। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बाद और क्या प्रिपेयर करना है, ब्रांच डेटर अकाउंट, ओके। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ओके। इसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट, ये लाइन जो है ना इसने क्लियर कर दिया कौन सा मेथड है, ये स्टॉक डेटर सिस्टम। और कौन सा बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखो ये ना क्वेश्चन खुद ही सेल्फ ही कह रहा है कि भैया ये तुम्हें बनाने हैं, तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि भैया इसमें जरूरत है या नहीं है, आपको बनाने पड़ेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। तो फटाफट से हम अकाउंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा बना लेते हैं, लास्ट क्लास में बनाया था ना हमने, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ज़्यादा बड़ा नहीं बनता ये, छोटा सा ही रहता है क्योंकि ज़्यादा जानकारी आती नहीं है इसके अंदर। हाँ जी तो जी अब ब्रांच डेटर जो है ना स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है। सर क्यों बड़ा क्यों बनेगा ब्रांच डेटर एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी ब्रांच एडजस्टमेंट, क्योंकि पी एंड एल ट्रेडिंग दोनों होने वाला है उसमें, तो वो बड़ा ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे ना डेटर बना लेता हूँ, क्योंकि मैं स्पेस का थोड़ा सा कमी होने के कारण मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट मार देता हूँ। यहाँ पे डेटर बना लेते हैं, हाँ नहीं फिर बाद में बच्चे भी बोलते हैं ना जिनके पास नहीं है, वो बोलते हैं सर हमारे पास किताब ही नहीं, कुछ बच्चे किताब लेते नहीं हैं, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी है। ब्रांच एक बोला हुआ है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ओके। तो ना हम मैं एक पीछे का भी पेज ले रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ आपके लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और एडजस्टमेंट का एक और नाम क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। Gracias.
चलिए सर, एक ब्रांच एक्सपेंस भी बनाना है ना हमें। दैट इज ब्रांच एक्सपेंस। एक एक करके पढ़ेंगे, जहां जहां जाना होगा हम करते जाएंगे। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है हमें, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है। कहता है कि श्री एक्स हैज अ रिटेल ब्रांच एट अलाहाबाद, गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस भेज रहा है, ब्रांच सेलिंग प्राइस विच कॉस्ट प्लस 25%। तो अब याद रखना हमारा कॉस्ट के ऊपर हम कितने परसेंट मार्कअप लेके चल रहे हैं, 25। अभी मैंने एक शब्द यूज करा, क्या मार्कअप, तो एग्जामिनर डराने के लिए इतने शब्द यूज कर लेता है ना, एग्जाम में आ जाएगा कॉस्ट प्लस 25%, नहीं कॉस्ट प्लस मार्कअप 25%। बच्चा बोलेगा मार्कअप क्या आ गया, तो मार्कअप प्रॉफिट को ही बोलते हैं हम, ठीक है ना, लोडिंग को ही मार्कअप बोलते हैं। तो कॉस्ट प्लस 25%, ऑल एक्सपेंसेस ब्रांच पेड बाय एचओ। तो सर इस वाले मेथड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑल कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच फ्रॉम कस्टमर, चाहे आपका वो कैश सेल्स हो जो भी हो हमारा, इज डिपॉजिट टू द क्रेडिट एचओ, और एचओ को हम डिपॉजिट कर देते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ब्रांच। आगे कहता है सर डेटर स्टार्टिंग में गिवन है और एंडिंग में, 12,000 और 14,000। तो डेटर अकाउंट मैंने यही बना रखा है, तो डेटर के लिए क्या वो वर्ड यूज करने वाला हूं, टू बैलेंस बीडी, कितने 12,000, और इधर क्या आ जाएगा बाय बैलेंस बैलेंस सीडी 14,000। किसी को कोई दिक्कत, पहले दो पॉइंट हो गए हमारे डन। इन्वेंट्री विद द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग 16 और क्लोजिंग 17, तो टू बैलेंस पीडी कितने 16, और बाय बैलेंस 17। क्लियर। इसके बाद कहता है कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पे तो सेल्स आ जाएगा और इसके अंदर कैश भी रहने वाला है, कितने 60,000। और कहता है टोटल अमाउंट डिपॉजिट टू एचओ ड्यूरिंग द ईयर, चलिए इस पे स्टार लगाते हैं, देखिए यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। रिटर्न गुड्स टू एचओ एट इनवॉइस प्राइस, तो बाय रिटर्न कितना रिटर्न है, 1 लाख, नहीं 5,000, ये भी कर लिया। सैलरी पेड कितना पेड किया है, सैलरी पेड किया है इसने 6,000, और रेंट पेड किया है 4,000। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, सैलरी और रेंट आ जाएगा सर पीछे, पी एंड एल में आ जाएगा, टू सैलरी 6,000 और टू रेंट कितने 4,000। इसके बाद आ जाते हैं सर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, दो जगह, एक तो डेटर में कितने रुपए 2,000, दूसरा आ जाएगा हमारा यहां एक्सपेंस में टू डिस्काउंट। समझ रहे हैं ना पहले आप, क्योंकि कुछ चीजें जो अकाउंट में जा रहा है तो पी एंड एल में तो आना तय है, पहले ऐसा नहीं होता था पहले वाले सिस्टम में। अब आगे आ जाते हैं डिस्काउंट के, बेड डेट्स ये यहां आ जाएगा बाय बेड डेट्स कितने 1,000 रुपये, पैसा डूब गया, और यही बेड डेट्स आ जाएगा हमारा कहां सर, यही बेड डेट्स आ जाएगा टू बेड डेट्स 1,000 रुपया, 1,000 रुपये। चलिए इसके बाद आगे स्पॉइलेज, स्पॉइलेज क्या होता है, नष्ट हो जाना, सामान का नष्ट हो जाना, गुड्स का नष्ट हो जाना किसी कारण की वजह से, यानी एक तरीके से बर्बाद हो गया हमारा सामान, और बर्बाद हो गया तो लॉस है ये। अब ये वाला स्पॉइलेज जो होता है ना हमेशा एबनॉर्मल लॉस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा स्पॉइलेज कौन सा होता है हमारा, ABL, एबनॉर्मल लॉस। तो स्पॉइलेज इधर लिख दें 2,000। कई बार एग्जामिनर पता है दिखाने का स्टाइल अलग होता है, वो यहीं पे लोडिंग को अलग अलग कर देते हैं कि इतना पार्ट मतलब ट्रेडिंग में जाएगा और इतना पार्ट
ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों को जोड़ के देखिए। वो पता है क्या करेंगे, मुझे पता है कि कॉस्ट प्लस 25% है तो सेल्स पे 20 होगा, तो वो क्या करेंगे 1600 दिखा देंगे ब्रांच ब्रांच एडजस्टमेंट में, इस तरीके से लिख देंगे। तो घबराना नहीं है आपको, लास्ट तक इसी तरीके से चलना है, ठीक है। चलिए ये सारा इंफॉर्मेशन पुट कर दिया, आप एक पे स्टार लगा रखा था, अब इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि टोटल अमाउंट डिपॉजिट एचओ, जो पैसा मेरे पास आया वही मैंने एचओ में डिपॉजिट किया। अब मेरे पास टोटल पैसा जो एचओ में डिपॉजिट किया वो किया 27,000 का, क्या हमें बैंक अकाउंट भी बनाने को बोला गया है? एक 27, बैंक अकाउंट तो बोला नहीं गया समझिएगा। और मैंने नगद में सेल्स किया कितने का, नगद में सेल्स किया, तो आप दिमाग लगाइए कि सर 60,000 नगद में सेल किया और आप ब्रांच को आपने एक 27, ब्रांच ने हेड ऑफिस को 1,27,000 कैसे भेज दिया? तो ऑब्वियस से कहीं और से भी पैसे आए होंगे, तो पैसे आने का जरिया क्या है जो बच रहा है बीच में, कितने बच रहे हैं हमारे? हाँ 67, जो ये 67 है तो ये उधार वाला पैसा आया होगा ना, यानी क्रेडिट डेटर से आया होगा, क्रेडिट सेल्स कह लो, ये किससे आया होगा? डेटर से। लेकिन अगर ये सारे खर्चे मैं ही पे करता तो ये पैसा डेटर से नहीं आता, क्योंकि वो भी घट जाता है इसमें से। स्पेशली यहां कह रखा है ऑल एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय एचओ, तो मैंने तो पे नहीं किया भाई, वो पेमेंट कौन कर रहा है? एचओ। तो मेरे पास टोटल 1,27,000 आया, 1,27 में तो भैया 60,000 का तो कैश सेल्स था, बाकी उधार सेल्स होगा, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो क्या यहां पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर? कितने रुपए? अब देखो यहां से क्या निकाल पाओगे आप, टू में बैलेंस आएगा, क्या निकाल पाओगे समझ रहे हो? और ये क्रेडिट सेल्स कहां यूज कर लेंगे, है ना, समझ रहे हो कैसे लिंक हो रहा है अकाउंट, देख रहे हो ना। अब आ जाते हैं हम इस पे, उसने क्या कहा था, एक ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बोला था हालांकि, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट है जो कि फाइनली जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, ठीक है ना, फाइनली कहां जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट पे। तो जितने एक्सपेंस है, हालांकि मैंने यहां लिख दिया है, हमें लिखना क्या चाहिए था, सैलरी। हाँ बोला हुआ है, सवाल ने तो बनाना पड़ेगा, देखो सैलरी इधर आ जाएगा और रेंट इधर आ जाएगा और डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट तो देखो ब्रांच का एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंस मतलब जो कि पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा, इस वाले अकाउंट को थोड़ा होल्ड कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। यहां तक सब कुछ एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से अकाउंट को क्लोजिंग के टाइम पे, मतलब ये सारा हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया। जितने भी बच्चे लाइव में हैं, जितने भी बच्चे फटाफट बता दीजिए, कोई डाउट चाहे ऑफलाइन में बच्चा है किसी को, कोई डाउट बता दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल चल रहा है हमारा सब कुछ, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले टोटल अगर हम करते हैं तो यहाँ से टोटल शायद कुछ ना निकले, और कुछ निकलेगा तो इधर शॉर्टेज और इधर निकलेगा तो सरप्लस भी आ सकता है, समझ रहे हो ना बात को। तो टोटल करते हैं कितना, अब यहां पे देखो सबसे बड़ी बात है यार, गुड्स एंड नहीं लिखा हमने, क्या नहीं लिखा, अब यहां गुड्स एंड निकल जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि बिना गुड्स एंड के हम माल कैसे बेच रहे हैं, हमारे पास सामान 16,000 का और बेच लाखों में रहे हम, तो आया होगा ना सामान, तो कहां से आया होगा, एचओ से आया होगा, तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। टोटल कर लेते हैं सर 87, इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120, नहीं 127 आएगा, नहीं 127 तो नहीं आएगा, 67 ये तो यहाँ पे नहीं आएगा भाई, यहाँ पे निकालेंगे ना टोटल करके क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ से उठ के जाएगा ये टोटल 84, 140 तो अकेला ही है ये से, 14,000 है ये 84 इधर, और ये 74 यहाँ आएगा, और 134 भाई गलत सलत क्यों बता देते हो,
1,32,000, इसका टोटल करिए, 1,37, 1,39 और 1,49, 50 मान लो, 1,56, 156 माइनस 16,000, 140। तो ये देखो, ये किस पे है? आईपी। ये किस पे है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? आईपी। जब सब कुछ आईपी पे, और ये तो कॉस्ट निकला ना, तो अब इसे आईपी पे बनाना पड़ेगा। इसमें ऐड करो प्रॉफिट, कितने परसेंट बोला है कॉस्ट के ऊपर? दैट इज कॉस्ट निकला, कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड करो। हाँ, 25%, 70, 35, और कितना बन रहा है ये? कितना भाई, ये कैलकुलेटर बदलते क्यों नहीं, गलत बताता है तो। निकाल 1,75, मैं भी एक बार देख लूँ सही आईपी निकाला है। एक बार बुक में चेक करिए, मेरे हिसाब से ये आईपी पे ही आया 1,40। एक मिनट, 1,40 ही आया ना इस पे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसने कर दिया है, क्योंकि सारा सेल में ही चल रहा है, तो ये भी सेल ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया सर? 1,40, ठीक है ना? ये दोनों अकाउंट समझ में आ गया, ये डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर। नहीं, ये सारा सेल्स पे है और इधर भी सेल्स ही है सारा, तो बीच में डिफरेंस भी सेल्स पे ही आया होगा। नहीं, वो अलग से क्वेश्चन बोल देगा, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, वो बोलेगा अलग से, ठीक है ना? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, ये दोनों अकाउंट का इंटरलिंक। अब सर इसके लोडिंग को लेना है, ओपनिंग पे लोडिंग, वैसे तो इसने बोला कॉस्ट प्लस 25%, तो आपको पता है कि वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेल्स के ऊपर कितना बनेगा। टेबल याद करवाया था, तो 16 दुनी 3200 और 14 दुनी 28, तो इधर बाई साइड में जाएंगे, बाई साइड में लोडिंग, लोडिंग किस पे? ओपनिंग स्टॉक पे सर, 3200, और बाई साइड में लोडिंग, लोडिंग किस पे सर? गुड सेंट पे, जो कि निकाला है 28,000। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। अब अरे वो कोई दिक्कत नहीं, वो स्पॉइलेज को माइनस कर दिया होगा, ठीक है? तो ये आ गया, रिटर्न वगैरह भी उसने एडजस्ट कर दिया होगा ना, आप देखना सारा सेम आएगा। अब इस पे तो निकलेगा नहीं, रिटर्न 5,000, 5,000 पे 20% कितना? 1,000। उसका लोडिंग इधर आ जाएगा, रिटर्न का, रिटर्न का 1,000, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं सर, और किस पे आएगा? स्पॉइलेज। स्पॉइलेज कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का क्या ट्रीटमेंट बताया था सर? कि यहाँ पे आएगा आपका लोडिंग और उसका बाकी बचा हुआ P&L में, ठीक है? याद आया आपको? तो फटाफट आ जाते हैं, कितना? 2,000 का है, तो 2,000 का लोडिंग निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा सर? लोडिंग 400, तो बाकी 1,600 कहाँ चला जाएगा? टू एबनॉर्मल लॉस 1,600, समझे बात? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, और क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक 17,000 पे 3400 बनेगा, टू लोडिंग। ये है सर क्लोजिंग स्टॉक पे, ये है एबीएल पे, ये ब्रैकेट में लिखना है, और ये है सर रिटर्न पे लोडिंग, कितने? 3400। फटाफट जीपी निकालिए, 28 और 3 11, 31,200 है ना, 31,200 यहाँ पे आएगा, टू जीपी, जीपी करिए, 38, 48 माइनस करिए, कितने बताइए? अरे भाई, 31,200 में से आप 38, 26, 26,400 बाय आ जाएगा जीपी। मैं कह रहा हूँ इस कैलकुलेटर को यूज़ करना बंद कर दो, आप ओरिजिनल कैलकुलेटर ले लो, नहीं तो परेशानी रहोगे। चलिए यहाँ तक, नहीं इसमें तो करा ही है, स्पॉइलेज तो ऐड ही है, ये समझ में आया? अब यहाँ से फाइनल क्या आएगा? एनपी सर 26,400,
फटाफट देखिए क्या हम निकाल पाए हैं एनपी। बुक से एकदम मैच होना चाहिए। हाँ अमाउंट इधर उधर बुक से दिख सकता है, ब्रांच एक्सपेंस अभी अलग से समझा दूंगा मैं। अरे 6 4 10 2 12 13 14, 600 माइनस करो ना, 26 400 में से 14 600। क्या चेक करिए बुक में, ठीक है ना। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, मैंने तो ये करा, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में भी आ गया। अकाउंट की डिमांडिंग पे अगर जाएं तो अकाउंट कितने डिमांड कर रहा था, अकाउंट बोल रहा था सर नंबर वन बनाइए स्टॉक अकाउंट, बना लिया। नंबर दो बनाइए ब्रांच एडजस्टमेंट, बना लिया। नंबर तीन बनाइए डेटर, बना लिया। नंबर चार इसने कहा है कि एक्सपेंस भी बनाइए। मैंने एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाया, इसके बदले मैंने इसके अंदर ही पुट कर दिया एक्सपेंस को। समझ में आ रहा है? अब एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे तो एक्सपेंस पेमेंट होगा ना उसको, और पेमेंट कौन दे रहा है? एचओ। ठीक है, तो हमारे लिए खर्चा, अब ये खर्चा जो है हमने तो डाला पीएनएल में, तो खर्चा क्या होगा? एक्सपेंस टू बैंक, या फिर हम क्या कर देंगे? एचओ कर देंगे, क्योंकि एचओ देगा इसको पेमेंट, और एचओ टू बैंक कर देंगे। तो एक्सपेंस अकाउंट में जिसका पेमेंट होना है, जिसका, वो सारे खर्चे दिखा देंगे। आपके किताब में कर भी रखा होगा, दिखाओ। इसे हटा दो पेज को, देखिए शायद बनाया नहीं बनाया पता नहीं। नहीं, बैंक अकाउंट बनाने के बोला ही नहीं है। आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, बैंक अकाउंट मुझे बनाना होता तो मैं इधर लिखता टू बैलेंस बीडी है नहीं, बाई बैलेंस सीडी है नहीं। कलेक्शन फ्रॉम कैश इधर आ जाता, पेमेंट इधर आ जाता, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता क्या, पेमेंट टू डेटर, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ जाता। तो वो बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। आप किताब के अंदर देखोगे ना, देखो ब्रांच अलवर पी एंड एल अलग से बना दिया, ब्रांच डेटर एक्सपेंस बनाए नहीं क्या इसने? कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? आगरा ही है ना? अच्छा, ये एक्सपेंस बना रखा है। देखो सबसे पहले ब्रांच एक्सपेंस में क्या है, सैलरी और रेंट। मैं इधर लिख रहा था ऐसे सैलरी और रेंट, इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, और इधर बाई साइड में देखो क्या लिख दिया इसने, ब्रांच एडजस्टमेंट। कहाँ जाएगा ये? ब्रांच एडजस्टमेंट पी एंड एल में ले जाओ 10,000, और इकट्ठा अमाउंट यहाँ ले गए 10,000। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो समझो, वही चीज मैं कर रहा था। मैं पता है क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि भैया खर्चे का अकाउंट बोला है ना, तो जो खर्चे का पेमेंट करोगे उसको लिखना है यहाँ। जो पेमेंट, तो सैलरी होगा, सैलरी 6,000, उसके बाद रेंट होगा, रेंट कितना? 4,000। क्या डिस्काउंट का पेमेंट होता है? क्या बैड डेट्स का पेमेंट होता है? क्या एबनॉर्मल लॉस का पेमेंट होता है? नहीं। और कौन कहाँ लेके जाएंगे इन सभी खर्चे को? तो यहाँ भेजना ही है ना। ये कौन सा है? ब्रांच एडजस्टमेंट पी एंड एल। सर कितना आएगा? 10K, 10K और 10K, और ये 10K एग्जैक्टली उठ के आ जाएगा यहाँ पे। जो ये वाला पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे सर्कल भी कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ अलग अलग दिखाया, इसके जगह पे क्या लिख दोगे आप? सीधा 10K, और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा एक्सपेंस। आप आंसर में भी चेक कर सकते हैं, बस समझ रहे हो? क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन 15 नंबर में पूछे जाएंगे। बैंक अकाउंट ये लीजिए, चलिए बैंक अकाउंट कह रहे हैं। बैंक अकाउंट के अंदर देखिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट के अंदर हमारा पैसा आएगा इस साइड में, जाएगा इस साइड में। तो पैसा भेजा है हमने एचओ को, बाय एचओ को भेज दिया कितना? 127। और मेरे पास आया कैश सेल से, कैश सेल से कितना आया? 60। अब तो कुछ लेना देना बताया नहीं है, तो 127, 127। तो बाकी जो बचा ना, वो कलेक्शन कहीं ना कहीं से आया है, तो किससे आया होगा? डेटर से। कितने? और ये डेटर में पहुंच जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? मैंने कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखा, ऑल्दो यहाँ पे आपने डेटर लिखना चाहिए। समझ में आया? एक और सवाल देखें बच्चों ने। हाँ, इसका ये डेबिट है,
हमेशा ये डेबिट इधर ही रहता है, दुनिया में ऐसा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसका इधर क्रेडिट हो जाए। कोई भी दुनिया में कोई भी अकाउंट हो, डेबिट इधर होगा, क्रेडिट इधर होगा। बैलेंस बीडी डिपेंड करेगा, लाइबिलिटी है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट से स्टार्ट होगा। यानी घर यही है। अब भैया जिसको क्रेडिट में जाना है तो वो इधर चले जाए, ये नहीं कि क्रेडिट को उठा के इधर ले आए, ठीक है ना? तो वो चीज़ है कहानी। चलिए ये सब